हॉट लग रही हो जान। अच्छा तो जनाब को मैं आज हॉट लगी? तुम तो रोज हॉट लगती हो। क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो। रोमांटिक तो मैं रोज ही होता हूँ। ओके, आज कुछ अलग करते हैं। अच्छा तो ये बात है। हाँ चलो फिर ठीक है, अगर आपको आज कुछ अलग ही करना है तो ठीक है। तो तुम्हें आज कुछ अलग करना है? रोज तुम मुझे करते थे, मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हें खुश कर दिया जाए। भैया ये सुबह सुबह बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? ऑफिस के काम से 15 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। रात को ही बॉस का फोन आया तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे पीछे इस घर का और अपनी भाभी का अच्छे तरीके से ख्याल रखना, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं चाहिए। जी भैया, मैं इस घर का और भाभी का ना आपसे ज्यादा ही ख्याल रखूंगा। आप बेकार में ही चिंता कर रहे हैं। और हाँ रवि, सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया कर, देर रात तक जागना आगे जाकर सेहत के लिए खराबी है। जी भैया, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा भैया, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम भी। हाँ राहुल बोल। रवि तू कब तक आ रहा है? क्यों, तेरा बर्थडे है क्या? अरे तूने ही तो परसों कहा था तू आज मेरे घर आने वाला है। नहीं यार, मन नहीं है। वैसे भी भैया बाहर गए, भाभी घर पर अकेली हैं। अरे भाभी बच्ची थोड़ी ना है। तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, भाभी घर पर अकेली है?
किसका फोन था रवि? वो दोस्त का था भाभी। मेरे लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को नाराज करना अच्छी बात नहीं है। बेस्ट फ्रेंड है तो बना रहे, पर दूसरे की बात भी तो समझे। भोसड़ी वाले को पता नहीं भाभी घर पर है। तुमने कुछ कहा रवि? नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा तुमने कुछ कहा। आओ चलो चाय पी लेते, ठंडी हो रही है। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं भाभी। सच बहुत नॉटी हो तुम। चलो चाय पी लो। लाइए भाभी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे अरे देवर जी, रहने दीजिए आप, मैं कर लेती हूँ, आप तकलीफ मत करो। लाइए ना, मैं आपका हाथ बटा देता हूँ। अरे देवर जी, अरे देवर जी क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस आपसे प्यार। अरे छोड़ो देवर जी, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, भैया तो बाहर गए। हाँ लेकिन फिर भी। रवि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाभी वो मैं खाली था तो सोचा आपकी मदद कर दूं। लाइए लाइए मैं डाल देता हूँ। अरे ये तो मैं कर लूंगी, तुम एक काम करो बाजार जाओ और सब्जी लेकर आओ, ठीक है? ठीक है भाभी।
जाओ। पागल है। मुझे अब भाभी को खुद पटाना है। वैसे भी मेरे पास भाभी को पटाने के लिए 14 दिन है, तो आज से मिशन भाभी पटाओ। मुझे अब भाभी को खुद पटाना है। वैसे भी मेरे पास भाभी को पटाने के लिए 14 दिन है, तो आज से मिशन भाभी पटाओ। आप सही से तो पहुंच गए ना? हाँ, मैं ठीक से पहुंच गया हूँ। तुम तो ठीक हो ना? हाँ, बस दिल नहीं लग रहा मेरा। मेरे बिना? हाँ। अकेली हो, किसी से दिल लगा लो, आजाद हो तुम। बस यही रह गया था अब मेरी जिंदगी में। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू टू। बाय। बाय। एक किस दो हमको। आज भाभी मुझे तड़पा रही है, कल देखना मेरे लिए तड़पेगी। रतन ने आगे बढ़कर रमा को अपने अंग पास में जकड़ लिया। रमा ने विरोध नहीं किया, क्योंकि रमा जानती थी कि उसकी प्यास रतन अच्छी तरह से बुझा सकता है। भाभी आप? दूध लेकर आई हूँ, लो अब जल्दी से दूध लो, पियो और सो जाओ। जैसी आपकी आज्ञा भाभी। और हाँ, अब अच्छे बच्चे की तरह दूध पीकर सो जाना। बाय, गुड नाइट। जी भाभी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम भाभी। अब रतन उसकी ब्रा उतारने लगा और दोनों एक दूसरे में समा गए। और जोर से रवि, और जोर से। और तेज करो, और तेज। मजा आ रहा रवि। कर दो रवि। और तेज, और तेज। कर तो रहा हूँ, अब जान लोगे क्या मेरी। मजा आ रहा है, करते रहो। कैसा लग रहा है भाभी? ये क्या कर रहे हो देवर जी? आप ठीक तो है ना?
आप तो ऐसे हाँफ रहे हैं जैसे कि आपने टारगेट से ज्यादा पुशअप्स लगा लिए हों। जल्दी से रेडी होकर हॉल में आ जाइए, ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी से आइए। ठीक है भाभी। अरे देवर जी, आप कब आए और क्या देख रहे हो? वो भाभी कुछ नहीं, वो आप कहीं मिल नहीं रही थी ना, इसलिए आपको ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। क्यों ढूंढ रहे थे? वो भैया बोले थे ना आपका ख्याल रखना, ताकि आपको अकेलापन ना लगे। कहाँ तक अकेलापन दूर करोगे? अब तो 15 दिन यूं ही निकालने होंगे उनके बिना। मैं हूँ ना भाभी, वैसे भैया की कमी मैं बिस्तर में पूरी कर सकता हूँ अगर आप चाहो। कुछ कहा तुमने रवि? नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा लगा कि तुमने कुछ कहा। नहीं। अच्छा आप बैठो, मैं आता हूँ, ठीक है? सेक्सी लड़की है, इसको देखकर तो आंख जल उठेगी। काश इनमें से कोई मिल जाए। रवि, तुम्हें पता है इस दिन का मैं कितने दिन से इंतजार कर रही थी कि कब तुम्हारे भैया बाहर जाएं और मैं तुम्हारी बाहों में समा जाऊं। मुझे पता है दिल ही दिल तुम भी मुझे चाहते हो, पर जितनी आग तुम्हारे अंदर लगी है मेरे अंदर आया भाभी। ये क्या चल रहा है देवर जी? कहीं मैंने इस टाइम पे आके गलती तो नहीं कर दी? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे आपने क्यों टेंशन ली? मुझे बोलती मैं आके ले लेता दूध। मैंने दरवाजा नॉक किया था, पर शायद आप कहीं और ही बिजी थे। रवि, मैं सोने जा रही हूँ, कुछ चाहिए तो अभी बता दो। सोते समय मुझे किसी तरीके का डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। तो फिर इतना गुमसुम सा क्यों रहता है? दिल में बात रखने से बाद में बहुत तकलीफ होती है। जो कहना है कह दे।
भाभी, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इसे चाहते हो या फिर मेरे शरीर को चाहते हो? देखो रवि, मेरे शरीर को तुम धोखे से या जबरदस्ती से पा सकते हो, लेकिन रजामंदी से नहीं। अगर मैं तुम्हारे इस हसीन चेहरे पे मर मिटती, तो एक न एक दिन तुम्हारा और मेरा संबंध सभी घर वालों के सामने आ जाता और फिर घर में एक नफरत की दीवार खड़ी हो जाती। तुम या राजेश एक दूसरे को खत्म कर सकते थे। एक आग सारे घर को जला सकती है और एक सच्ची भारतीय नारी अपने घर परिवार को कभी टूटते हुए नहीं देख सकती और तोड़ने वाले को छोड़ती भी नहीं है। भाभी, आपने मुझे भटकने से बचा लिया। सच वासना की आग तो इस घर को बर्बाद कर देती। किसी ने सच कहा है, क्योंकि वासना की आग दिल पे लगी आग से ज्यादा खतरनाक है। माफ किया भाभी, आप एक और वादा करो। आप मेरी ओछी हरकत आप किसी से नहीं कहोगी घर पर। वादा है, और आज एक और वादा मैं तुमसे करती हूँ रवि, कि तेरी शादी मैं ऐसी हूर से कराऊंगी कि तू उससे जिंदगी भर दूर नहीं रह पाएगा। सच्ची भाभी?